ठीक है, अब अपन देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। टू कंट्रोल, सुपरवाइज और सबोर्डिनेट करेगा मजिस्ट्रेट को। इशू ऑर्डर करेगा, देयर इज अ थ्रेट ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर अंडर द सेक्शन ऑफ 144 और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड CRPC से रिलेटेड। इंस्पेक्ट करेगा जेल्स को। सबमिट करेगा एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ग्रांट करेगा, सस्पेंड करेगा और कैंसिल करेगा मैनी काइंड ऑफ लाइसेंस, जैसे कि आर्म्स, होटल, एक्सप्लोजिव, पेट्रोलियम, अदर्स को। एनफोर्स करेगा एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट और प्रेस एक्ट को। ऑर्डर ऑफ डिस्पोजेबल और अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को ऑर्डर देगा। प्रोसिक्यूट करेगा ऑफेंडर्स को अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहला है कि ये कंट्रोल करेगा एंड सुपरवाइज करेगा सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। ये क्या करेगा? इशू करेगा ऑर्डर को व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू पब्लिक पीस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है द जेल्स, इंस्पेक्ट करता है जेल्स को। ये क्या करता है? सबमिट करता है एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। पांचवा, इसके अंदर ये क्या करता है? ग्रांट करता है, सस्पेंड करता है और कैंसिल करता है मैनी काइंड ऑफ लाइसेंस लाइसेंस को, जैसे कि आर्म्स का रिलेटेड हुआ, होटल का रिलेटेड हुआ, एक्सप्लोजिव के रिलेटेड हुआ और पेट्रोलियम एंड अदर से रिलेटेड। ठीक है, ये क्या करता है? एनफोर्स करता है एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट को एंड प्रेस एक्ट को। और ये क्या करता है? ये ऑर्डर करता है डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को। और ये करता है? प्रोसिक्यूट करता है ऑफेंडर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। प्रोसिक्यूट ऑफेंडर ऑफेंडर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर में। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है? कंट्रोल और डायरेक्ट करता है एक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की। ठीक है, और एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन करता है, रेगुलेशन, इंस्पेक्ट एंड प्रोग्राम्स ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये प्रिसाइड ओवर करता है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को और ये प्रॉपर रीच करता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को और इम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के अंदर। ये एक्ट करता है एज एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर इमरजेंसीज के समय। ये कलेक्टर होता है, इज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर कलेक्टर होता है। अब डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह क्या काम होते हैं? उसकी तरह होते हैं कि इम्प्लीमेंट करता है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को और ये रेगुलेट करता है, इंस्पेक्ट करता है और प्रोग्राम्स ऑफ रूरल रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये प्रिसाइड ओवर करता है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को। ठीक है, ये प्रॉपर रीच करता है विलेज डेवलपमेंट
विलेज डेवलपमेंट के अंदर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में। ये एक्ट करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ, एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज के समय एंड अदर इमरजेंसीज के समय। ये क्या करता है, कलेक्टर इज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर है। अब सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर SDO और SDM, इसके अंदर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील के बीच में होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इज ए सब डिविजन। और स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर होता है, अपॉइंट किया जाता है इसके अंदर। पावर और फंक्शंस क्या होती है SDO की, SDO की पावर और फंक्शंस होती हैं कि एज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तरह होता है SDO बेस्टोर्ड किया जाता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल और कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ एज पर द लैंड और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के द्वारा। ये प्रिपेयर करता है मैप्स को और सब डिवीजन, मैप्स और सब डिवीजन ये प्रिपेयर करता है रिगार्डिंग द लैंड रिकॉर्ड्स को, ये कलेक्ट करता है लैंड रेवेन्यू को, ये इंस्पेक्ट करता है तहसीलदार को और रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को, ये डिसबर्सल होता है एग्रीकल्चर लोन्स को, ये प्रिवेंट करता है एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स को। और एज ए मजिस्ट्रेट ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को इन द सब सब डिवीजन के अंदर, ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स को और क्रिमिनल केसेस को इन द सब डिवीजन के अंदर। SDO या फिर SDM, SDM क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बीच में। इज सब डिवीजन वेयर द स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर अपॉइंटेड किया जाता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ SDO क्या होते हैं, ठीक है, एज पर द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर द SDO, SDO जो कि SDO इज बेस्टोर्ड, बेस्टोर्ड विद द जुडिशियल क्वासी जुडिशियल एंड कंट्रोलिंग पावर्स एज पर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, एज पर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के द्वारा। ये प्रिपेयर करता है मैप्स को ऑफ सब डिवीजन, ये प्रिपेयर करता है लैंड रिकॉर्ड और प्रिपेयर करता है और रीडेस करता है लैंड डिवीजन को, लैंड रिकॉर्ड को। ये कलेक्ट करता है रेवेन्यू को, लैंड का रेवेन्यू को, ये इंस्पेक्ट करता है तहसीलदार का और रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स का डिपार्टमेंट को, ये डिस्पर्स करता है एग्रीकल्चर लोन्स को, एग्रीकल्चर लोन्स को ये क्या करता है डिस्पर्स करता है डिस्पर्सल, ये प्रिवेंट करता है एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड को। और ये एज ए मजिस्ट्रेट इसके क्या काम होते हैं, एज ए मजिस्ट्रेट ये मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन सब डिवीजन के अंदर। ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट को क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर इन द सब डिवीजन। इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस चॉइसेस स्टेशंस एंड जेल्स का इंस्पेक्शन करता है सब डिवीजन के अंदर। इशू करता है ऑर्डर्स व्हेन द थ्रेट टू पीस अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC एज लैंड जुडिशियल ऑफिसर, रेजोल्यूशन ऑफ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट सक्सेशन वे थ्रू लैंड और ग्रेजिंग एक्ट, ग्रेजिंग लैंड के अंदर। ये डिसाइड करता है क्लास ऑफ फार्मर्स मार्जिनल स्मॉल और मीडियम के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जीक्यूशन ऑफ रेवेन्यू कंप्लेंस, पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल होता है, इंस्पेक्शन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स FPS, फेयर प्राइस शॉप्स FPS, कंडक्ट करता है BPL सेंसस को। ये सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस इलेक्शन ऑफिसर होता है लोकसभा राज्यसभा और लोकल बॉडीज के अंदर। ये इशू करता है कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट को।
और इसके क्या काम होते हैं, जैसे कि ये इंस्पेक्ट करता है पुलिस की चौकीज को, स्टेशंस को एंड जेल्स को सब डिवीजन के अंदर। ये इशू करता है क्या ऑर्डर्स व्हेन देर इज ए थ्रेट टू पीस अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये होता है जुडिशियल ऑफिसर की तरह, लैंड जुडिशियल ऑफिसर। इसके अंदर क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, जैसे कि सेसेशन वे थ्रू लैंड और ग्रेजिंग लैंड। ये डिसाइड करता है, डिसाइड्स द क्लास ऑफ फार्मर्स, जैसे कि मार्जिनल है, स्मॉल है और मीडियम है। और क्या काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या काम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एग्जीक्यूशन होता है ऑफ रेवेन्यू कंपेंस का एग्जीक्यूशन। और ये इंस्पेक्शन करता है फेयर प्राइस शॉप्स का, FPS का ये इंस्पेक्शन करता है, ये कंडक्ट करता है बीपीएल का सेंसस को ये कंडक्ट करता है। ये एज ए सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरह काम करता है लोकसभा, राज्यसभा और लोकल बॉडीज़ के। ये इशू करता है सर्टिफिकेट OBC का और कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। अब इलेक्शन ऑफिसर की तरह क्या काम होता है, ये अपॉइंट किया जाता है बूथ लेवल ऑफिसर। ये वर्क करता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर स्टेट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकल बॉडीज़ के। ये अपडेशन करता है वोटर लिस्ट को, एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर के काम होते हैं। ये रिसीव करता है डिग्निटरीज और विजिट करता है सब डिवीज़न को। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर SDO और SDM में, SDO में लैंड रेवेन्यू वर्क्स प्रोटोकॉल इलेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर SDO की तरफ वर्क करता है सेक्शन 144 CRPC की, देन सी विल बी डेजिग्नेटेड एज SDM एंड सेक्शन 144 जो कि कर्फ्यू के लिए और सेक्शन 151 बेल के लिए है। इलेक्टोरल ऑफिसर की तरह क्या काम होते हैं, इसके काम होते हैं जैसे कि ये अपॉइंट करता है बूथ लेवल ऑफिसर। ये वर्क करता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर इन स्टेट के अंदर, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इलेक्शंस एंड लोकल बॉडीज। ये अपडेशन करता है वोटर लिस्ट का। अब एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर क्या काम होता है, प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरह ये रिसीव करता है डिग्निटरीज और विजिट करता है सब डिवीज़न के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि SDO और SDM। SDO के अंदर अपन देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू वर्क करता है, प्रोटोकॉल होता है, इलेक्शन करता है और डिजास्टर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और SDM होता है जो कि वैन SDO वर्क करता है सेक्शन 144 के अंदर और ऑफिस ऑफ CRPC के अंदर, देन सी विल बी डेजिग्नेटेड एज SDM, उसको डेजिग्नेटेड किया जाएगा SDM की तरह। इसके अंदर सेक्शन 144 होता है, सेक्शन 151 ये बेल के लिए 144 कर्फ्यू के लिए है। अब आता है तहसीलदार एक अरेबिक वर्ड है, यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के समय और ब्रिटिश एरा के समय। फर्स्ट तहसीलदार ऑफ राजस्थान अलवर का था 1791 के अंदर। प्रेजेंटली तहसीलदार एड्रेस करता है वेरियस नेम्स के अंदर और अपॉइंट करता है बाय द रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा। तहसीलदार एक सबॉर्डिनेट सर्विसेज है स्टेट पब्लिक सर्विसेज की, कम्स आती है अंडर द राजस्थान तहसीलदार सर्विस के अंदर। ड्यूटीज और फंक्शंस क्या होते हैं, एज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर से क्या काम होते हैं। अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंदर ये प्रिपेयर करता है विलेज के मैप्स को और लैंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, ये डिस्पोजल करता है नेम्स एंड चेंजेज ऑफ एप्लीकेशंस। ये इंस्पेक्शन करता है पटवारी को
कुनगो को और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करता है ये। और क्या काम होता है, ये एस्टिमेट करता है क्रॉप यील्ड का, और ये प्रिपरेशन करता है गिरदावरी रिपोर्ट को, और सेटल करता है ग्रेजिंग लैंड एंड लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स को, ये क्या करता है सेटल करता है। अब तहसीलदार, तहसीलदार तहसीलदार ठीक है, तहसीलदार एक क्या है अरेबिक वर्ड है, ये यूज किया जाता था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड और ब्रिटिश एरा के समय। ठीक है, फर्स्ट तहसीलदार, अपना फर्स्ट तहसीलदार अलवर से था 1791 के अंदर। ठीक है, प्रेजेंटली तहसीलदार एड्रेस करता है वेरियस नेम्स के द्वारा, जैसे कि अपॉइंटमेंट बाय द रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। तहसीलदार, तहसीलदार एक सबॉर्डिनेट सर्विस है, सबॉर्डिनेट सर्विस है ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज की। ठीक है, ये कम्स अंडर राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज RTS के अंदर आती है। अब इसके ड्यूटीज और फंक्शंस क्या होते हैं, ड्यूटीज और फंक्शंस ऑफ तहसीलदार होते हैं, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तरह ये प्रिपेयर करता है विलेज लेवल विलेज मैप्स को, विलेज मैप को एंड लैंड रिकॉर्ड को। ये डिस्पोज करता है नेम चेंज एप्लीकेशन, डिस्पोजल नेम चेंज एप्लीकेशन को। ये इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ पटवारी, कुंगो एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट करता है क्रॉप यील्ड को, क्रॉप यील्ड का एस्टिमेट करता है, ये प्रिपेयर करता है गिरदावरी रिपोर्ट को, ये सेटलिंग करता है ग्रेजिंग लैंड एंड लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को। अब एस्टिमेशन को करता है क्रॉप यील्ड का, गिरदावरी रिपोर्ट करता है ग्रेजिंग लैंड और लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करता है। जुडिशियल ऑफिसर की तरह इसका क्या काम होता है, ये पनिश करता है एनक्रोचिंग ऑफ गवर्नमेंट लैंड को, सेल करता है, ऑक्शन करता है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, ये सोल्व करता है रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, ये सेटलिंग करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पोस्चर रेंट से रिलेटेड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अरेंजमेंट्स फॉर द जनरल इलेक्शंस, और ये एनिमल सेंसेस इन इन द तहसील्स के अंदर, इंस्पेक्ट करता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड कुंगूस को, और ये डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर होता है प्रोटेक्शन ऑफ होल इनकम इन तहसील रीजन के अंदर, ये सब रजिस्ट्रार होता है, सेल एंड परचेज करता है लैंड को और बिल्डिंग को तहसील लेवल के ऊपर। अब जुडिशियल ऑफिसर की तरह क्या काम होता है इसका, जुडिशियल ऑफिसर की तरह ये पनिश करता है एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट के लैंड को। ठीक है, ये सेल करता है और ऑक्शन करता है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। ठीक है, ये सोल्व करता है वे रिलेटेड डिस्प्यूट को, ये सेटल करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पोस्चर लैंड से रिलेटेड ये डिस्प्यूट को। तीसरा, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह क्या काम करता है, ये अरेंजमेंट करता है जनरल इलेक्शंस के अंदर, ये एनिमल सेंसेस के अंदर इन द तहसील। ठीक है, ये इंस्पेक्शन करता है रेवेन्यू इंस्पेक्शन एंड कुंगूज को। चौथा, ये डिप्टी ट्रेजरी की तरह क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन करता है ऑफ होल इनकम ऑफ तहसील रीजन की। ठीक है, और क्या काम होता है एज ए सब रजिस्ट्रार की तरह, ये सेल करता है एंड परचेज करता है ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट तहसील लेवल पे। ठीक है, अब रिलीफ ऑफिसर की तरह क्या काम करता है, तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ अरेंजमेंट के लिए ड्यूरिंग द फेमाइन ड्रॉट फ्लड एपिडेमिक और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। चैलेंजेस इसके क्या है, एक्सरसाइज करता है वर्क एंड कंटिन्यूस ट्रांसफर करता है, लैक ऑफ पर्सनल एट तहसील लेवल के ऊपर, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन करता है, पटवारी
पटवारी जो कि लोवेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया के अंदर। पटवारी डायरेक्टली इसके अंदर रिलेटेड होता है टू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट के अंदर। पटवारी अपॉइंट किया जाता है राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा। एट प्रजेंट पटवारी इज रिक्रूटेड ऑन 3,000 खसारा लैंड के ऊपर इसको पटवारी को किया जाता है अपॉइंट। अब रिलीफ ऑफिसर की तरह क्या काम करता है? रिलीफ ऑफिसर की तरह तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीफ अरेंजमेंट्स के लिए ड्यूरिंग फेमाइन ड्रॉट फ्लड और एपिडेमिक के समय और अदर इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, अब चैलेंजेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव वर्कलोड होता है एंड कंटिन्यूस ट्रांसफ़र होते हैं, इस कारण चैलेंजेस है। दूसरा ये चैलेंज है कि लैक ऑफ पर्सोनल एट तहसील लेवल पे कम पर्सोनल है। तीसरा एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन होते हैं इसके अंदर पटवारी ये तहसीलदार में। फिर नीचे पे आता है पटवारी। पटवारी क्या होती है कि लोवेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और द विलेज लैंड लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन द मेजर सोर्स है ऑफ इनकम इंडिया के अंदर। द पटवारीज आर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट के अंदर। ठीक है, पटवारी इज अपॉइंटेड किया जाता है बाय द राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा। ठीक है, एट प्रजेंट पटवारी रिक्रूटेड किया जाता है 3,000 खासरा लैंड के अंदर। ड्यूटी जो पटवारी के हैं, रेजोल्यूशन ऑन डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ओनरशिप, डिवीजन ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर लैंड, प्रिपेयर करता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड और गिरदावरी रिपोर्ट को, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सबमिटिंग करता है तहसील को। इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इसकी ड्यूटीज़ होती है पटवारी की कि ये करेगा क्या का? रिजोल्यूशन करेगा डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ओनरशिप एंड डिवीजन ऑफ लैंड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, और इसके अंदर प्रिपेयर करता है एंड मेंटेनेंस करता है ऑफ लैंड मैप्स, लैंड के मैप्स को एंड लैंड के रिकॉर्ड्स को और गिरदावरी रिपोर्ट को। ठीक है, और ये कलेक्शन करता है लैंड रेवेन्यू को एंड सबमिट करता है इट इन तहसील के अंदर। ठीक, अब आता है पुलिस सुपरिटेंडेंट एज पर द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अंदर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी असिस्ट करेगा बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ही इज एन ऑफिशियल इंडियन पुलिस सर्विस और सब सुपरवाइज करेगा एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स को। रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रोवाइड करता है लीडरशिप टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स को, मेंटेन करता है कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस फोर्स, चेक करता है यूनिफॉर्म को, रिकमेंड करता है प्रमोशन को, टेक करता है डिसिप्लिनरी एक्शन, ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पुलिस प्रॉपर्टी व्हीकल्स एंड डॉक्यूमेंट वेपन्स को, ये इंस्पेक्ट करता है प्लेस ऑफ SC/ST वुमेन क्राइम और गिव करता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। अब पुलिस सुपरिटेंडेंट एज पर द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी असिस्टेड किया जाएगा बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। ठीक है, ही इज एन ऑफिशियल इंडियन पब्लिक सर्विस सुपरवाइजेस करता है एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स को, ये ऑफिस होता है इंडियन पुलिस सर्विस का एंड सुपरवाइज करता है द एंटायर पुलिस फोर्स को। रोल ऑफ
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसके अंदर ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लीडरशिप टू एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की, और इसके अंदर क्या होता है, मेंटेन करता है कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस फोर्स को। इसके अंदर क्या होता है, ये करता है चेक्स यूनिफॉर्म, और ये रिकमेंड करता है प्रमोशन का, ये टेक्स करता है डिसिप्लिनरी एक्शन, और क्या करता है, ठीक है, ये एंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पुलिस प्रॉपर्टी व्हीकल डॉक्यूमेंट और वेपन को, ये एंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पुलिस की प्रॉपर्टी व्हीकल्स और डॉक्यूमेंट और वेपन्स को, और ये इंस्पेक्ट करता है प्लेसेस ऑफ एससी एसटी और वुमेन क्राइम्स को, एंड गिव करता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देता है। अनाउंस्ड इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशंस लाइन्स और चौकीज, ट्रांसफरिंग पुलिस मैन विद इन द डिस्ट्रिक्ट अपो देम, प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ रोडीज इन द डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, उसके नीचे होता है एडिशनल एसपी, उसके नीचे होता है DYSP, उसके नीचे होता है सर्कल इंस्पेक्टर, उसके नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे होता है हेड कॉन्स्टेबल, उसके नीचे होता है कॉन्स्टेबल, अब ड्यूरिंग द नाइट द एरिया अंडर इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्स्टेबल कोल्ड बीट कहते हैं उसको बीट ऑफिसर कहा जाता है कॉन्स्टेबल को फिर, ठीक है। अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये इन साइट विद द लार्ज पॉपुलेशन द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और कम इन टू वर्क के अंदर आया, द पुलिस कमिश्नर बेस्टोर्ड किया जाता है विद द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। द सिस्टम स्टार्टेड हुआ था राजस्थान के अंदर 2011 के अंदर, और दो सिटीजेस के अंदर जोधपुर और जयपुर। पावर ऑफ पुलिस कमिश्नर क्या है, द पुलिस कमिश्नर गेट द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि CRPC 107 134 134 135 135 144 144 ए, पुलिस कमिश्नर कैन ग्रांट कर सकता है बेल ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। अब पुलिस कमिश्नर रेट इन सिटीज के अंदर में लार्ज पॉपुलेशन द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कम इन टू वो के अंदर आया, और पुलिस कमिश्नर जो कि बेस्ट ऑर्डर होता है विद द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और इसके पास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स भी होती हैं। और द सिस्टम स्टार्टेड हुआ था राजस्थान के अंदर 2011 के अंदर, दो सिटीज़ के अंदर है इस टाइम पे, जोधपुर और जयपुर के अंदर कमिश्नरेट, ठीक है। इसके अंदर पावर होती है पुलिस कमिश्नर के पास में कि द पुलिस कमिश्नर गेट्स द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके अंदर क्या होता है कि CRPC सेक्शन 107 से और 24 के अंदर, इसके अंदर 133 134 135 144 और 144 ए के अंदर होता है। दूसरा, पुलिस कमिश्नर कैन ग्रांट बेल ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब इशू ऑफ आर्म लाइसेंस, ये इशू करता है आर्म का लाइसेंस भी ये इशू कर देता है, और इम्पोज करता है कर्फ्यू सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन इन अदर ब्रांचेज ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि CID और SCB और SDO के अंदर। ये कीप करता है कंट्रोल ऑफ ग्रेव क्राइम्स इन द कमिश्नरेट, ये बेनिफिट करता है कमिश्नरेट सिस्टम को, और पुलिस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोलिंग पॉलिटिशियंस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता फॉर वेरियस परमिशंस फ्रॉम द कलेक्टर, और कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस इज एनहांस किया जाता है, वर्कलोड ऑफ कलेक्टर रिड्यूस किया जाता है, और इज इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है कि इशू करता है आर्म्ड के लाइसेंस, इम्पोज करता है कर्फ्यू सिटीज़ के अंदर, ये इस्टेब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन इन अदर ब्रांचेस ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे CID, SCB और SOG, और कीप करता है कंट्रोल ऑफ ग्रेव क्राइम्स कमिश्नरेट के अंदर, बेनिफिट करता है कमिश्नरेट सिस्टम को, पुलिस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोलिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस परमिशन कलेक्टर, कॉन्फिडेंस करता है पुलिस को और एनहेंस करता है वर्कलोड एंड कलेक्टर रिड्यूस करता है, इसके अंदर ईज करता है मेंटेनेंस के अंदर और ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इशू करता है किसको, आर्म्स के लाइसेंस को, ये इम्पोज करता है किसको, कर्फ्यू इन सिटीज, और ये इस्टेब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इन अदर्स और ब्रांच ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांच ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि CID, ACB और SOG के साथ में, ये करता है कीप कंट्रोल ग्रेव क्राइम्स इन द कमिश्नरेट, कमिश्नरेट ये बेनिफिट करता है कमिश्नरेट सिस्टम, बेनिफिट ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम, इसके अंदर पुलिस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोलिंग द पॉलिटिशियंस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस होता है फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियंस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, फ्री होता है बेनिफिट ऑफ पुलिस कमिश्नरेट ही होता है। इसके अंदर भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है वेरियस परमिशंस ऑफ कलेक्ट फ्रॉम कलेक्टर, वेरियस परमिशंस कलेक्टर से लेने की, और इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस इज एनहेंस्ड किया जाता है, वर्कलोड ऑफ कलेक्टर रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, और ईज किया जाता है इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अंदर,